भाजपा भवन निर्माण समिति की बैठक विल्ली पार्क में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता नॉर्थ इंडिया भवन निर्माण समिति के संयोजक अरुण चतुर्वेदी द्वारा की गई। बैठक में प्रदेश के सभी जिला स्तरीय कार्यालय निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई और कार्यालय निर्माण से संबंधित कई विषयों पर विस्तार से चर्चा भी की गई। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अब सरकार को काम करना शुरू करना चाहिए, चले कामों को बंद करने का काम इस सरकार को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से फोन में बात की और जिस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस सरकारी संस्थान बंद कर रही है, इस बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे अपने निर्णय का रिव्यू करें। उन्होंने कहा कि यह सभी कार्यालय जनता की मांग पर खोले गए थे और जनता की भावनाओं का अनादर करना ठीक नहीं है। आगे बढ़ेगी किस तरह की रणनीति है? हम तो पहले से इस बात को लेकर के बार बार कह रहे हैं कि सरकार को अब काम करना शुरू करना चाहिए और जो काम चला हुआ उसको बंद करने का काम बंद करना चाहिए। मैं इस बात को देख करके थोड़ा हैरान हूँ कि पिछले कल आपको मालूम पड़ा कि कॉलेजेस भी जो है वो डीनोटिफाई कर दिए, मात्र 3 कॉलेज जो है वो उन्होंने उसमें रखे हैं। आज मैंने मुख्यमंत्री जी से फ़ोन पर बात की है और मैंने उनसे इस बात के लिए आग्रह किया है। ये सारी चीज़ें बहुत हद तक जो है आपको क्या लग रहा है मालूम नहीं, लेकिन उसके बावजूद बहुत विरोध है इसका लोगों के बीच में। कोई संस्थान मिलना और जनता की मांग पर संस्थान मिलना और उस संस्थान को हमने संचालित कर दिया है, और जैसे मेरा विधानसभा क्षेत्र का जो कॉलेज डिनोटिफाई किया है छतरी का, उसके लिए भवन का शिलान्यास हो चुका है, बजट का उसमें प्रावधान कर चुके हैं, ANDS उसकी हो चुकी है, 60 स्टूडेंट उसमें वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, जमीन कॉलेज को दे दी गई है और 1 साल उस कॉलेज को खुले हुए हो गया, और ऐसे में उस कॉलेज को बंद करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। मैंने कहा कि बाकी जगह भी आप रिव्यू करिए, ये सारी चीज़ों को लेकर के एक अच्छा संदेश नहीं जाता है। और मैं उनसे इस बात के लिए पहले भी बात कर चुका हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो रिव्यू करेंगे आने वाले समय में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो बंद करने का ये क्रम चला है, इस क्रम को रोकने की आवश्यकता है। लोगों के बीच में हमने तय किया है कि पिछले कल विधायक दल की बैठक थी हमारी, हमने तय किया हम लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों के बीच में बात कहेंगे। अगर संस्थान की अगर मांग नहीं होती तो हम नहीं खोलते। जो भी संस्थान खोले हैं लोगों की मांग पर खोले हैं, जनप्रतिनिधियों की मांग पर खोले हैं, तो ऐसे में लोगों की भावनाओं का अनादर करना ये उचित नहीं है। कुछ एक संस्थान बंद करने की बात होती तो भी समझ में आता, थोक में बल्क में सभी संस्थान बंद करने की जो है ये परंपरा अच्छी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो हमने बात कहनी थी हमने कही है, और मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर के पुनः विचार करें और जो संस्थान खुले हैं उनको शुरू करें। क्या कोर्ट का रास्ता भी अपनाएगी? निश्चित रूप से वो लोग किसको रोक पाएंगे? आप जब सैकड़ों की संख्या में संस्थान बंद कर दिए हैं तो लोग अपना रास्ता ढूंढेंगे, आंदोलन करेंगे, आंदोलन से कुछ रास्ता नहीं निकलता है, वो लोग कानूनी रास्ता अपनाने के लिए आगे विवश हैं। अगर कानूनी रास्ते में उसको उनको राहत नहीं मिलती है तो फिर उसके बाद फिर आंदोलन का रास्ता उनके पास है। और निश्चित रूप से सारी चीज़ को लेकर के एक बहुत बड़ा अनरेस्ट जो एक नाराजगी का एक निराशा का माहौल पूरे हिमाचल प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो 10 गारंटीज दी गई हैं वो 5 साल में पूरी करनी है और कैबिनेट भी आज तीसरे दिन बुला दी गई। मैं इस बात को लेकर के बड़ा जरूर ये जरूर कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ 3 महीने में 3 कैबिनेट होती थी, अब हर दूसरे दिन कैबिनेट हो रही है। पहले कहते कि एजेंडा नहीं है, अब मालूम पड़ा है कि भाई अब कैबिनेट को इतने जल्दी बुलाने के लिए एजेंडा तैयार करने के लिए कहा गया है। मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, कैबिनेट कॉल करना मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है, वो करें, लेकिन कम से कम ऐसे निर्णयों पर परहेज करें जिन निर्णयों में जनहित के निर्णय जो लिए गए हैं वो प्रभावित हों, ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी इन सारी बातों को लेकर के थोड़ा विचार करेंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।